दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। आज हम बात करेंगे केरला T20 वुमेन्स मैच के बारे में, जो कि यहाँ से खेला जाएगा टीम रूबी वसर टीम अंबर के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर होने वाले हैं जिनका सिलेक्शन जो है वो ना के बराबर है, और वही प्लेयर इस मैच में आपको आसानी से विन भी करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन कब बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर कब बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगा दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल टीम आपको यहीं पे मिलेगी। साथ ही साथ में दोस्तों अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ, तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप ही करा है। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए, तो YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है, तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। दोस्तों अगर बात करें हमारी टीम के बारे में, तो विकेट कीपर में शिजू का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, जो कि ओपन करते हुए आपको नजर आने वाली है। हालांकि लास्ट मिनट में जीरो पे आउट हो गई, उससे पहले अगर मैं देखूं तो 18 रन करे, अगेन 18 रन करे, फिर 4 रन करे और 18 रन करे, ये इनका परफॉर्मेंस रहा है। मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ओपन करते हुए नज़र आने वाली है। दोस्तों वहीं KR के बारे में अगर हम बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस के बारे में, तो यार जो इनका परफॉर्मेंस अगर आप देखते हो दोस्तों, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे बैटिंग करते हुए आपको नज़र आने वाली है। हो सकता है इनकी बैटिंग ही नहीं आई, क्योंकि काफ़ी नीचे बैटिंग करती है, इसलिए मैं इनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी यहाँ से EB माया के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, परफॉर्मेंस के बारे में, किस नंबर पे आपको बैटिंग करते हुए नज़र आने वाली है, इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट, तो वो भी मैं इनके बारे में अपडेट कर देता हूँ। दोस्तों इनका भी बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा आपको नीचे नज़र आएगा। रिसेंट में 10 रन इन्होंने करे, 4 रन करे, 13 रन करे, 1 रन करे, ये इनका परफॉर्मेंस रहा है। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बाकी वैश्ना लास्ट मैच खेली नहीं, अगर ये मैच खेलेगी तो मैं सीधे आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। फिलहाल मैं एक विकेट कीपर को अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। बैटिंग में बात करें दोस्तों, पोनू कुथन का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए नजर आएगी। लास्ट रन में 9 रन इन्होंने करे, उससे पहले 0 पे आउट हो गई, अगेन 0 पे, फिर 55 रन करे, 17 रन करे और 4 रन करे। लेकिन ऐसी प्लेयर है दोस्तों बहुत स्ट्रगल करती है। अब देखो लास्ट मैच में जो 9 रन करे ना, ये पता है कितने बॉल्स में करे, 32 बॉल्स में, आप देख सकते हो। तो जितने रन नहीं करेगी तो उतने तो ये माइनस ही पॉइंट हमारे करवा देगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। इनके अलावा जी दिव्या का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, नंबर 4 पे बैटिंग करती है, लास्ट में 0 पे आउट हो गई, उससे पहले 43 रन की एक अच्छी इनिंग्स भी इन्होंने खेली थी दोस्तों, और उससे पहले डोमेस्टिक वगैरह में रिकॉर्ड जो रहा है वो काफ़ी बेहतरीन रहा है। प्लस एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको बॉलिंग भी करवाते हुए नजर आएगी। लास्ट 2 मैचेस में 1 विकेट निकाली है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। गायत्री देवी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, एक अच्छी ऑप्शन आपके लिए इस मैच में हो सकती है, आप चाहो तो इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हो। मिडिल ऑर्डर आपको संभालते हुए नजर आने वाली है। अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, लास्ट में तो बैटिंग नहीं आई थी, और उससे पहले 26 रन करे, 2 रन करे, 22 रन करे, 35 रन करे, रिकॉर्ड अच्छा रहा है, तो इसलिए मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। गोरिना दना के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, परफॉर्मेंस के बारे में, किस टाइप का इनका परफॉर्मेंस रहने वाला है, नंबर 3 पर बैटिंग करती है, लास्ट में 1 रन करे, उससे पहले 6 रन करे, फिर 46 रन करे थे, 14 रन करे, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ग्रैंड लीग में एक अच्छा ऑप्शन ही बन सकती है। बाकी दोस्तों पी भाद्रा का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, लेकिन यार इनको मैं ज़्यादा जो है सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इनका जो बैटिंग ऑर्डर रहेगा वो काफ़ी नीचे रहेगा, तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी आई जोसफ का ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे, लेकिन इनका कोई यार परफॉर्मेंस मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, तो जो मेन प्लेयर है मैं उनको ही अपनी टीम में लेके चलूँगा और सजेस्ट करूँगा। तो अभी 2 मैं बैट्समैन को यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, आप इनको अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो, एक अच्छे ऑप्शन ये बन सकते हैं। नाजला एक और आपके पास अच्छा ऑप्शन बन सकती है दोस्तों इस मैच में, जिनको आप इस अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो। बैटिंग ऑर्डर रहेगा वो नंबर 6 के आसपास रहेगा, लास्ट में 37 रन करे, उससे पहले 43 रन करे, वहीं दोनों मैचेस में 3 विकेट भी इन्होंने निकाले, बॉलिंग करते हुए एक मस्त ऑप्शन आपके लिए बन जाते हैं।
तिसानी इस मैच में ओपन करते हुए नजर आने वाली है। लास्ट मिनट में 36 रन की एक अच्छी इनिंग्स खेली, उससे पहले 9 रन करे, 0 रन करे, 39 रन करे, 1 रन करे। वहीं रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूं इनके बॉलिंग के बारे में दोस्तों, बॉलिंग में भी सभी मैच मोस्ट ऑफ द टाइम सभी मैचेस में करवाइए, लेकिन सिर्फ 5 मैचेस में एक विकेट निकाल पाइए, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बैटिंग बॉलिंग करके दे देती है। एंथोनी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर आपको नंबर 6 पे नजर आने वाला है। और बॉलिंग से अगर मैं बात करूं, पूरे ओवर नहीं डालती, रीसेंट के 5 मैचेस में सिर्फ एक ही विकेट निकाल पाई है, बैटिंग से कुछ खास नहीं करी, इसलिए मैं इनको ड्रॉप करके अभी चल रहा हूं। नाज़नीन के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, एन नाज़नीन क्या इनका परफॉर्मेंस रहने वाला है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं इंपॉर्टेंट, तो वो भी मैं आपको इनके बारे में क्लियर कर देता हूँ। देखिए अगर आप इनका देखते दोस्तों, सबसे पहले तो बैटिंग ऑर्डर एन नाज़नीन का, तो बैटिंग ऑर्डर जो रहेगा इनका वो तकरीबन वो थोड़ा सा नीचे नज़र आएगा, इतना कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं, प्लस ओवर भी इनके कट सकते, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। बाकी एम अली ना, बैटिंग ऑर्डर आपको नीचे नज़र आएगा, लेकिन बॉलिंग इनकी अच्छी रहती है, लास्ट मिनट 2 विकेट निकाले, उससे पहले 1 विकेट, फिर 0 विकेट, इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप इनको लेके चल सकते हो, 3 मेरे ऑलराउंडर अभी के लिए रहने वाले हैं। वहीं बॉलिंग में एम रागी का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। रागी मोहन लास्ट मिनट में 1 विकेट निकाली, अच्छी प्लेयर है दोस्तों, पूरे ओवर करवा के दे देती है, रीसेंट के 5 मैचेस में 2 विकेट अभी तक इन्होंने निकाले हैं। इनके अलावा एस अथीरा का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इनके ओवर वगैरह कट सकते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी मानसी के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, परफॉर्मेंस के बारे में किस टाइप का इनका परफॉर्मेंस रहने वाला है, सेम इनके भी ओवर वगैरह कट सकते हैं। बाकी एम ऐश्वर्या आपके पास एक अच्छी ऑप्शन बन सकती है, जिनको आप ट्राई कर सकते हो, पूरे ओवर करवा देती है, रीसेंट के 5 मैचेस में 5 विकेट अभी तक इन्होंने निकाले, एक मस्त ऑप्शन आपके लिए बन सकती है। अनास्वरा के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, लास्ट मिनट में 1 ही ओवर करवाई थी और रीसेंट के 4 मैचेस में सिर्फ 1 विकेट इन्होंने निकाले। बाकी शीतल विजय एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है, जिनको आप इस मैच में अपनी टीम में रख सकते हो, लास्ट मिनट में शानदार विकेट निकाले, 4 विकेट, उससे पहले विकेट लेस जरूर गई थी, लेकिन लास्ट मिनट में विकेट निकाले तो फॉर्म में आ गई होगी दोस्तों, कॉन्फिडेंस हाई होगा, तो आप इनको लेके चल सकते हो। इनके अलावा अनुप्रिया का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। लास्ट मैच के बारे में बात करूं तो कोई विकेट नहीं निकाल पाई थी दोस्तों, लेकिन रीसेंट के 4 मैचेस में 1 विकेट इन्होंने निकाला, इनको आप ट्राई कर सकते हो। और साथ ही साथ में अगर आप यहां पे अनास्वर को ट्राई करना चाहते हो तो इनको भी कर सकते हो, अगर पहले इनकी टीम बॉलिंग करती है तो। कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, जिनको आप इस मैच में CVC बना के चल सकते हो दोस्तों, तो देखिए यहाँ से नाज़ला एक अच्छा ऑप्शन है, अलीना को भी कर सकते हो, 2 सेफ ऑप्शन आपके पास बन सकते हैं। ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग में रिस्क लेके चल रहे हो तो तिसानी को जरूर कर दीजिएगा, फिलहाल ये दोनों ही मेरे CVC रहने वाले हैं अभी के लिए, ये मेरी टीम रहने वाली है, आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।